महाराज दशरथ और गुरु वशिष्ठ सहित सभी बाराती अयोध्या पहुंच गए थे। अपने चारों पुत्रों को अपनी दुल्हनों के साथ देखकर कौशल्या, सुमित्रा और केकई की खुशी संभाले नहीं संभलती थी। सभी माताओं ने बहुओं की आरती उतारी और रघुकुल की रीति के अनुसार राजमहल में वधू प्रवेश हुआ। अपने राजकुमारों की जोड़ियां देखकर सारी अयोध्या को जैसे खुशियों के पंख लग गए हों। महाराज दशरथ तो बच्चों जैसे चहक रहे थे। उन्होंने खुशी में भरकर महामंत्री सुमंत को बुलवाया। मंत्री सुमंत, आज की प्रसन्नता मुझे उस दिन की याद दिलाती है जिस दिन मेरे चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। मैं उस दिन को भला कैसे भूल सकता हूँ महाराज। वर्षों के बाद अयोध्या में इतना बड़ा उत्सव हुआ था और आज भी वैसा ही दिन है। पूरी अयोध्या उल्लास से भर गई है। लोगों की खुशियाँ थामे नहीं थमती। प्रजा के लिए राजकोष खोल दिया जाए, पूरे 7 दिन तक अयोध्या में उत्सव मनाया जाए। अवश्य महाराज, प्रजा तो इसी घड़ी की प्रतीक्षा कर रही है। वो इस उत्सव को अपने जीवन का सबसे बड़ा उत्सव बना देना चाहती है। आपकी आज्ञा का पालन होगा। बाजो रे बाजो रे बाजो रे, बाजो रे बाजो रे बाजो रे, बाजोरे बाजोरे बाजोरे, बाजोरे बाजोरे बाजोरे। राम सिया संग अयोध्याए, राम सियावर राम कहाए। राम सिया संग अयोध्याए, राम सियावर राम कहाए। गलियां दुल्हन सी साजोरे, बाजोरे बाजोरे बाजोरे, बाजोरे बाजोरे बाजोरे, बाजोरे बाजोरे बाजोरे, बाजोरे बाजोरे बाजोरे। नारायण नारायण, देख रहे हैं महादेव, आज अयोध्या में लोग कैसे प्रसन्न हैं। हाँ देवर्षि नारद, ये दृश्य केवल मैं ही नहीं पूरा देवलोक देख रहा है। महाराज दशरथ की इस प्रसन्नता में सभी भागीदार होना चाहते हैं। मन कहता है कि अवधपुरी में ये उत्सव सदा सदा चलता रहे। मैं भी परमपिता से प्रार्थना करूंगा कि अयोध्या वासी सदा सदा इसी तरह प्रसन्न रहे, मंगल गीत गाते रहे, उल्लास मनाते रहे। नारायण नारायण। अयोध्या में कई दिनों तक उत्सव चलता रहा। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि साक्षात स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। और आज ही क्यों, जिस क्षण राम लाला ने अयोध्या में चरण धरे थे, उसी क्षण से अयोध्या सुख शांति और धन धान्य से भर गया था। इधर राजमहल में राजा दशरथ सहित तीनों रानियां अपनी बहुओं को देखकर सदा आनंदित रहती। सीता सहित अन्य तीनों बहुएं महाराज दशरथ सहित माताओं की सेवा में लगी रहती। जब समय मिलता वे अपने पतियों के मन को भी रिझाती। आइए माँ, दिन भर के कामों से आप थक गई होंगी, आपके पांव दबा दो। नहीं सीता, भला तुम जैसी बहुओं के होते हुए मुझे कैसी थकान। तुम अपने कक्ष में जाओ, राम तुम्हारी राह देख रहे होंगे। आपके होने से ही तो हमें राम मिले हैं माँ, इसलिए सबसे पहले आपकी सेवा ही हमारा कर्तव्य है।
हमसे अपनी सेवा का ये अधिकार ना छीनिए। तुमसे कोई नहीं जीत सकता सीते, आपकी सेवा करने के लिए हमें चाहे जीत मिले या हार, हमें दोनों स्वीकार है। कितने सुंदर संस्कार पाए हैं तुमने। मेरे पास आओ बहू, मन कहता है कि कितनी बलाएं ले लूं तुम्हारी। हे ईश्वर, मेरी बहुओं को किसी की नजर ना लगे, किसी की भी। अपनी पुत्रियों को कैसे सुंदर संस्कार दिए थे महाराज जनक और महारानी सुनैना ने। बहुओं के इन संस्कारों को देखकर माताएं फूली नहीं समा रही थी। वो घड़ी घड़ी उनकी बलाएं लेती रहती थी। अयोध्या में सब कुछ सुख से बीत रहा था। तभी एक दिन एक सैनिक ने भरत के मामा के आने का समाचार महाराज दशरथ को सुनाया। महाराज की जय हो। बोलो सैनिक, क्या समाचार लाए हो? महाराज, कैकेय नगर के राजकुमार युधाजीत पधारे हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। क्या, कैकेय राजकुमार युधाजीत आए हैं? जाओ और उन्हें सम्मान के साथ ले आओ। जो आज्ञा महाराज। इस खुशी के अवसर पर कैकेय के राजकुमार का अयोध्या आगमन। क्या कारण था उनके आने का? क्या उनका आना विधि का कोई ऐसा विधान था जो काल की गति बदल सकता था? अयोध्या नरेश महाराज दशरथ को युधाजीत का प्रणाम स्वीकार हो। आइए आइए राजकुमार युधाजीत, कैकेय राज में सब कुशल तो है ना? हाँ महाराज, वहाँ सब प्रसन्न है, किंतु हमारी माँ कुछ दिनों से अस्वस्थ हैं। यदि कैकेय पुत्र भरत कुछ दिनों के लिए वहां आ जाते तो उन्हें अच्छा लगता। भरत को देखते ही उनके मुख पर मुस्कान आ जाती है। अवश्य अवश्य कैकेय कुमार, वे अवश्य जाएंगे। मंत्रीवर सुमंत, राजकुमार भरत को ननिहाल भेजने की तैयारियां की जाए। जैसी आज्ञा महाराज। महारानी कैकेयी को महामंत्री सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। आइए मंत्रीवर, क्या समाचार लाए हैं? प्रसन्न हो जाइए महारानी, मैं समाचार ही नहीं साक्षात आपके भाई कैकेय कुमार युद्धजीत को लेकर आया हूँ। भैया, क्या क्या भैया आए हैं? भैया। हाँ कैकेय, कैसी हो बहन? कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। मैं ठीक हूँ भैया, ननिहाल में सब प्रसन्न तो है ना? सब प्रसन्न है, और वहाँ की प्रसन्नता को ही बढ़ाने के लिए माँ ने राजकुमार भरत को बुलवाया है। किंतु भरत है कहाँ? अभी तक कहीं दिखे नहीं। अभी बुलवाती हूँ। भरत और शत्रुघ्न का सारा समय तो राम और लक्ष्मण के साथ ही बीतता है। चारों भाई एक दूसरे को कभी छोड़ते ही नहीं। भाइयों में इतना प्रेम तो मैंने कभी देखा ही नहीं। तुम सौभाग्यवती हो बहन, भगवान करे कि उनका ये प्रेम सदा सदा के लिए बना रहे। प्रणाम माँ, आपने मुझे बुलवाया? हाँ पुत्र, देखो तुम्हारे मामा युधाजीत तुम्हें लेने के लिए आए हैं। प्रणाम मामा जी, आप कैसे हैं? और नाना नानी? सब कुशल हैं भरत, और हर पल तुम्हें याद करते हैं। अब उनके पास चलने की तैयारी करो। हाँ, पर क्या मुझे वहाँ अकेले ही जाना होगा माँ? हाँ पुत्र। नहीं माँ, तो मैं कहके ये नहीं जाऊँगा। पुत्र, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ माँ, अब हम चारों भाई जहाँ भी जाएंगे साथ ही जाएंगे। भरत, अब तुम सब भाई बड़े हो गए हो, और फिर राम तो अयोध्या छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकते। क्यों माँ, वो कहीं क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि राम को महाराज से राजकाज के बारे में बहुत कुछ सीखना है, और वो अयोध्या में ही संभव है। इसीलिए भैया राम का मुँह त्याग कर शीघ्र कैकेय के लिए प्रस्थान करो। चलो। ये क्या कह रहे हो भरत? तुम्हारी नानी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। ऐसे समय में भी तुम उनके पास नहीं गए तो कितना दुख होगा उन्हें। और आपको छोड़कर जाऊंगा तो मुझे दुख नहीं होगा? आप जानते हैं ना कि आपके साथ ही मेरा सुख है। अपने सुख के लिए उनके कष्ट को मत भूलो भरत, जाओ, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। ठीक है भैया, यदि आप कहते हैं तो मुझे जाना ही होगा। पर पता नहीं क्यों मुझे अंदर से भय सा लग रहा है। लग रहा है जैसे मैं किसी को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। चिंता मत करो भरत, मैं चोरी चोरी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अब जाओ, देखो बाहर रथ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जाने क्यों भरत के मन में अनजाना सा डर समा गया था।
पर उन्हें अयोध्या छोड़कर जाना ही पड़ा। किसको पता था कि जिस अयोध्या में लगता था कि खुशियां कभी खत्म नहीं होंगी, वहीं एक अनहोनी द्वार के पीछे घात लगाए बैठी है। वो तो बस राह देख रही थी कि इधर भरत अयोध्या से बाहर पांव धरे और वो भीतर आकर अयोध्या को अपने पंजों में जकड़ ले और राजमहल को युगों युगों तक ना मिटने वाली गहरी पीड़ा में डुबा दे। जब सुख मन मगन हो मना रहा हो मोद, तब दुख बैठे घात में, तब दुख बैठे घात में, देन गहरा शोक। पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए फीवर प्रस्तुति रामायण, क्योंकि मन पावन तो जग पावन। रामा।